26 जुलाई जिसे सुनकर आपके मन में बस एक ही शब्द आता होगा, वो है कारगिल दिवस। जी हाँ, एक ऐसा दिन जहां हमारे वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी। यह वही तारीख है जब कारगिल जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस मौके पर कारगिल युद्ध से जुड़ी कई कहानियां सामने आ रही है। भारतीय फाइटर पायलट के नचिकेता ने उस समय को याद किया। युद्ध के दौर में उन्हें पाकिस्तान ने बंधक बना लिया था। उन्हें भारत को सौंपने से पहले कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया। करीब 8 दिन बाद पाकिस्तान ने उन्हें भारत को वापस सौंपा। अब उन्होंने बताया है कि उस दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ। आंध्र प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले के नचिकेता का जन्म 31 मई 1973 को हुआ था। दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में स्कूली शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी की परीक्षा पास करके सेना में एंट्री ली। 25 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चले कारगिल युद्ध में नचिकेता भी शामिल थे। एक रोज फाइटर प्लेन MiG-27 उड़ाते हुए वो दुश्मन पर निशाने साध रहे थे। इसी बीच विमान का इंजन फेल हो गया। नचिकेता को विमान से इंजेक्ट करना पड़ा, लेकिन नीचे एक और बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा था। लैंड करते ही भारतीय पायलट को पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। वहीं के नचिकेता मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस दिन हमारे साथ 3 अन्य लड़ाकू पायलटों ने श्रीनगर से हवाई उड़ान भरी थी। हमारा लक्ष्य मुंथो ढालो नाम की जगह थी, जो पाकिस्तान लॉजिस्टिक बेस का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हम 4 हवाई जहाजों की एक सीट में यात्रा कर रहे थे। हम लोग लगातार रॉकेट से निशाना साध रहे थे। कुछ देर बाद मेरा इंजन खराब हो गया। मेरे पास विमान के बाहर कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विमान से कूदने के कुछ सेकंड बाद मैंने देखा कि विमान पहाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्होंने आगे बताया कि कुछ ही देर में मैं पाकिस्तानी सैनिकों से घिरा था। थोड़ी ही देर में एक सैनिक ने मेरे मुंह में AK-47 के बैरल घुसेर दिया। मैं ट्रिगर पर पड़ी उसकी उंगली को देख रहा था, सोच रहा था वह इसे खींचेगा या नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नचिकेता ने बताया कि विरोधी दस्ते की कैप्टन ने उस युवा सैनिक को ट्रिगर दबाने से रोक दिया। पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने अपने सहयोगी को यह समझाया कि भारतीय पायलट एक सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहा है। इसके बाद नचिकेता को बंदी बनाकर शिविर स्थल पर ले जाया गया। ये कहानी यही समाप्त नहीं हुई। यातना के दिन आए, नचिकेता राव को शिविर में ले जाने के बाद का किस्सा बताया, जहां उन्हें काफी टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन के कारण उनकी पीठ में दर्द हो रहा था और ठंड उनके जूते में घुस रही थी। लगभग 24 घंटे के बाद AK-130 विमान आया और मुझे इस्लामाबाद और फिर रावलपिंडी लेट गया। उन लोगों ने करीब 1 दिन तक मुझे ISI के स्पेशल सेल को सौंप दिया। कैप्टन नचिकेता के शब्दों में इसके बाद जो हुआ वो काफी बुरा था। उन्होंने कहा कि सेल में बिना दाना पानी के अकेले रहना पड़ा। यह बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वे आपको मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहते हैं ताकि आप कुछ उगलना शुरू कर दें। लेकिन मैं फिर से भाग्यशाली रहा क्योंकि इसके बाद 3rd degree टॉर्चर शुरू हो गया था। अभी तक तो जो हुआ उसे वे कहकर बच सकते थे, मैं सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो हुआ यानी 3rd degree, उसके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, लेकिन वो स्टेज आने से पहले मुझे भारत वापस लाने का फैसला आ गया। नचिकेता ने बताया कि उन्हें कुछ देर बाद इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ले जाया गया। वहाँ कुछ बेसिक ट्रीटमेंट हुआ। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बाद उन्हें यानी नचिकेता को फाइनली भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया। वतन आने के बाद उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनके माता पिता उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। देश लौटने के बाद कैप्टन नचिकेता लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सके। उन्होंने उसके बाद ट्रांसपोर्ट विमान उड़ाया। साल 2017 में वे बतौर ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए। तो उन्होंने अपनी जुवानी बताई। आज कारगिल दिवस है जिसको लेकर कई कहानियां सामने आ रही है, जिसमें ये कैप्टन नचिकेता की कहानी थी। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।